हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे यूनिट टू का ब्रेन टीजर्स मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स चैप्टर का। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन तक इसके पहले वीडियो में हो चुका है, सिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सिक्स क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 9। देखिए इसमें ए दिया हुआ है 235,674, ये चेक करना है 3 और 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसको कैसे करेंगे, देखिए क्या करेंगे, इसमें सम ऑफ द डिजिट क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 एंड 9 होना चाहिए। पहले लिखेंगे सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 4। ओके, क्या आएगा 27। इसको ऐड करेंगे तो 27 आएगा। देखिए 27 क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। ओके, लिखेंगे 27 इज द मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 9। ओके, 3 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा ये। सो 235,674 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है 78,015, इसको सम ऑफ द डिजिट का एड करेंगे 7 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 5, एड करेंगे कितना आएगा, देखिए 21। ओके, 21 देखिए किसका फैक्टर है, 21 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्या लिखेंगे, 21 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ओके, सो 78,015 इज डिविजिबल बाय 3। देखिए 3 से डिविजिबल हो रहा है, 9 से 21 डिविजिबल नहीं होगा, तो क्या होगा, सो 78,015 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है, टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। किसको चेक करेंगे, 1,47,246 पहला क्वेश्चन है, तो टेस्ट कैसे करेंगे, देखिए सम ऑफ द ऑड नंबर, ये सम ऑफ द ऑड नंबर्स ऑड प्लेसेस पे जो सम है इसका, इसको ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, कौन कौन से हैं, देखिए ऑड प्लेस पे कौन कौन सा है, 4, 2, 6, क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 प्लस 4, ये भी 12 हो जाएगा, इक्वल करेंगे तो देखिए दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस, दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ रहा है या 11 आ रहा है तो क्या होगा, वो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। ओके, डिफरेंस क्या जाएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो 1,47,246 इज डिविजिबल बाय 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बी क्वेश्चन है, 23,52,825, किसका क्या लिखेंगे, पहले सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस, क्या ऐड करेंगे 2, 5, 8, 5, इसको ऐड करेंगे 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5, कितना आ गया 20। ओके, नेक्स्ट सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस, इवन प्लेस से कौन कौन से नंबर है, 3, 2, 2, 3 प्लस 2 प्लस 2, क्या हो गया ये
सेवन, ओके। दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, देखिए जीरो आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ इलेवन, लिखेंगे डिफरेंस इज इक्वल टू 20 माइनस सेवन इज इक्वल टू 13। देखिए 13 ये 11 से डिविजिबल नहीं है, सो 23,52,825 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक देम डिविजिबल बाय 3। ठीक है, कौन सा नंबर नंबर में सब्ट्रैक्ट करेंगे कि वो डिविजिबल 3 से डिविजिबल हो जाए। कि पहला क्वेश्चन दिया है ए, क्या है 2,825, ओके। देखिए 3 से डिविजिबल के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, पहले 2,825 को डिवाइड करेंगे 3 से 4, 3 9 20 7, 9 टाइम जाएगा, 8 माइनस 7 1, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, यहां पे ये 2 को लिखेंगे 3 4 12, राइट हो गया, 5 लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 3, ओके। क्या बचा यहां पे 2, देखिए 2 हमारा क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, सो क्या हो जाएगा, सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 2। देखिए 2 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है, इसका नंबर है 8,56,291, ओके। इसको 3 से डिवाइड करेंगे 8,56,291 को, क्या हो जाएगा 3 2 6, 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, 5 लिखेंगे आगे, 3 8 24, 25 माइनस 24 1 बचेगा, 6 आगे लिख लेंगे, 3 5 15, ओके माइनस करेंगे 60 माइनस 15, देखिए 1 बचेगा यहाँ पे, अगला नंबर हमारा क्या है 2, 3 4 12, डिवाइड हो गया है, अगला नंबर क्या है 9 लिख लेंगे, 3 3 9, ओके 0 बचेगा यहाँ पे, देखिए अगला नंबर क्या है 1 लिखेंगे, 1 से डिवाइड नहीं होगा, 0 टाइम ले जाएंगे, देखिए अब 1 क्या हो जाएगा, देखिए 1 को माइनस अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा नंबर, लिखेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक देम डिविजिबल बाई 9, ओके। देखिए इस नंबर में 42,724 में क्या नंबर ऐड करें कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए, क्या करेंगे इसको 9 से डिवाइड करेंगे 42,724 को, 9 से डिवाइड करेंगे 9 4 36, माइनस करेंगे क्या बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा, 12 माइनस 6 6 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, अगला नंबर लिखेंगे 7, ओके 9 7 63, माइनस करेंगे 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, अगला नंबर लिखेंगे 2, ओके 9 4 36, 4 टाइम जाएगा, माइनस करेंगे 12 माइनस 6 6, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 माइनस 3 0 हो गया, अगला नंबर क्या है हमारा 4, 9 7 63, देखिए 63 जा रहा है, इसमें क्या ऐड करना है हमको, आगे दिया है तो क्या हम 1 टाइम एक ज्यादा ले जाएंगे, इसमें 7 टाइम जा रहा है, 8 टाइम ले जाएंगे, 9 8 72, ओके माइनस करेंगे, देखिए 64 में 72 माइनस करेंगे क्या आएगा -8, अगर हम इसमें 8 ऐड कर देंगे तो ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा, क्या लिखेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 8, ओके ये हमारा आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट सेकेंड बी क्वेश्चन है 39,065, इसको 9 से डिवाइड करेंगे 9 4 36, माइनस करेंगे 39 माइनस 36 3 बचेगा,
नंबर क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो लिखेंगे। 9 3 20 7, 30 माइनस 27 देख माइनस करेंगे 3 बचेगा यहाँ पे। अगला नंबर क्या है हमारा, 6, 9 4 36, ये डिवाइड हो गया पूरा। अगला नंबर क्या है, 5 लिख लेंगे। आगे देखिए 9 से आगे नहीं जाएगा ये, क्या करेंगे, 0 टाइम ले जाएंगे। आगे देखिए इसमें 4 और ऐड करेंगे, देखिए 1 टाइम अगर ले जाएंगे, 9 1 9, ओके क्या आ जाएगा, -4। अगर हम 4 ऐड करेंगे इसमें तो हमारा क्या आएगा, ये 9 से डिवाइड होगा। सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, रिप्लेस द ब्लैंक इन 6205, देखिए यहां पे बॉक्स दिया हुआ है 6 to 5 विद द लीस्ट नंबर सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इसमें कौन सा छोटा सा छोटा नंबर लिखा जाएगा वो 11 से डिवाइड हो जाए, कैसे लिखेंगे इसको, कि क्या हो जाएगा, सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस। देखिए इसमें बॉक्स यहां पे एक्स ले लेंगे हम, ब्लैंक है, सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस क्या होगा, 2 + x। ओके नेक्स्ट, सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस 6 + 5। ओके ये 11 से डिविजिबल है तो क्या करेंगे, नंबर इज डिविजिबल बाय 11, सो देयरफॉर 2 + x, दोनों डिफरेंस क्या आना चाहिए, 11 इज इक्वल टू, यहां पे देखिए 6 + 5 11 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0। ओके क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 इस तरफ जाएगा, 11 हो जाएगा, यहां पे क्या हो गया, -2, x इज इक्वल टू 9। ओके यहां पे 9 पुट करेंगे हम बॉक्स यहां पे तो क्या नंबर ये 11 से डिविजिबल होगा। ओके देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, राइट एनी टू नंबर्स विच आर, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 9, देखिए 3 से डिवाइड होना चाहिए और 9 से डिविजिबल ना हो, टू नंबर लिखना है, कौन कौन से नंबर है वो, देखिए 12 और 15, ये हमारे नंबर 3 से डिविजिबल होगा और 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट बी क्वेश्चन है, डिविजिबल बाय 5 बट नॉट 10, ओके देखिए कौन सा नंबर होगा वो, 15, देखिए 5 से डिवाइड होगा 10 से नहीं होगा, 15 और नेक्स्ट 25 ले लेंगे, 25 भी 10 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। ओके नेक्स्ट सी क्वेश्चन है, डिविजिबल बाय बोथ 4 and 8, ओके 4 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी डिवाइड होगा, कौन सा नंबर है, देखिए 16 है, 8 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, नेक्स्ट 24, ये 4 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा, ये हमारा आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट डी क्वेश्चन है, डिविजिबल बाय 2, 4 and 8, कौन कौन से नंबर है, देखिए 2, 4, 8, 16 देखिए 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, नेक्स्ट 24 2 से डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 8 से डिवाइड होगा। ओके ये हमारा आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1624, 522 एंड 1276, इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, ये डिवाइड करेंगे 522 से 1276 को, 520 डिवाइड करेंगे 1276 को, ओके कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, 1044 माइनस करेंगे, 6 - 4 2, 7 - 4 3, 2 - 0 2, ये 1 0 हो जाएगा, ठीक है 232 से डिवाइड करेंगे अब 522 को, ओके कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम 464, 12 - 4 8, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 - 6, यहाँ पे 11 बचेगा, 11 - 6 5, यहाँ पे 4 4 0 हो जाएगा,
58 से डिवाइड करेंगे 232 को, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम 232। देखिए डिवाइड हो गया, हमारा डिवीजर लास्ट क्या है, 58 है, और 58 से क्या करेंगे 1624 को डिवाइड करेंगे, 58 से 1624, 58 कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम 116, माइनस करेंगे क्या बचेगा, 12 माइनस 6 6, यहां पे क्या बचा 5, 5 माइनस 1 सॉरी 12 माइनस 6 6 हुआ। नेक्स्ट 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला नंबर लिखेंगे, 4 बचा है, 58 को डिवाइड करेंगे, अब देखिए 8 टाइम ले जाएंगे, 8 8 जा 64, 6 कैरी हो जाएगा, 8 5 जा 40 प्लस 6 46, क्या डिवाइड हो गया, 0 हो गया। ओके डिवीजर क्या है हमारा, 58। ओके लिखेंगे आंसर, सो एचसीएफ ऑफ 1624, 522, 1276 इज इक्वल टू 58, ये हमारा आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 198, 135, 108 एंड 54। देखिए इसको एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे साथ में, 198, 135, 108, 54। ओके 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। ओके नेक्स्ट 2 135 डिवाइड नहीं होगा ये 2 से, इसको ऐसे लिख देंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। नेक्स्ट 99 डिवाइड नहीं होगा, 130 डिवाइड नहीं होगा, देखिए 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 27 भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए अब 3 से डिवाइड होगा नंबर हमारा, 3 1 जा 3 सॉरी 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। नेक्स्ट 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ओके 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 11 देखिए डिवाइड नहीं होगा, 11 लिख लेंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ओके नेक्स्ट सॉरी 5 से डिवाइड करेंगे, आगे 5 नंबर हमारा है, 11 डिवाइड नहीं होगा, 5 1 जा 5, 1 1। नेक्स्ट 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11। ओके देखिए हमारा फैक्टर आ गया, लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। ओके देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इंटू 5 इंटू 11 55। ओके मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 27 4 जा 108 इंटू 55, क्या जाएगा आंसर हमारा 5940, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। ओके 14 क्वेश्चन है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 13 एंड 1989 रिस्पेक्टिवली, इफ वन नंबर इज 117 फाइंड द अदर। ओके देखिए एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, इसमें वन नंबर दिया हुआ है 117, दूसरा नंबर पूछा है कौन सा होगा। हम जानते हैं क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके क्या हो जाएगा 117 इंटू सेकेंड नंबर। ओके सेकेंड नंबर हमको नहीं मालूम है, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम दिया हुआ है 1989 इंटू एचसीएफ 13। ओके क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 1989 इंटू 13 डिवाइड बाई 117। ओके देखिए अब डिवाइड करेंगे इसको, 13
नाइन जा 117, 9 से डिवाइड करेंगे 9 टू जा 18, 9 टू जा 18, 9 वन जा 9, क्या हमारा आंसर आ गया। सो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 221, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, कैन टू नंबर्स हैव 15 एज एचसीएफ एंड 350 एज एलसीएम, वाई? ओके, देखिए क्या पूछा है इसमें कि दो नंबर का क्या एचसीएफ 15 और एलसीएम 350 हो सकता है, क्यों? ओके, कहेंगे एचसीएफ दिया है 15, एलसीएम 350, कहेंगे वी नो दैट एचसीएफ ऑफ गिवेन नंबर इज ए फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। क्या होता है, जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का फैक्टर होता है, तो क्या होगा 350 15 से डिवाइड होगा, अगर डिवाइड होगा तो ये हो सकता है, इसको चेक करेंगे 350 को डिवाइड करेंगे 15 से, 15 टू जा 30, 5 बचा, 15 थ्री जा 45, देखिए 5 हमारा क्या है रिमाइंडर बचा है, ये रिमाइंडर नहीं बचना है, अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो इसका ये सही था, तो रिमाइंडर बचा है तो क्या हो जाएगा, हियर 15 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 350। ओके, देखिए फैक्टर 350 का फैक्टर नहीं है 15, सो लिखेंगे सो टू नंबर कैन नॉट हैव 15 एज एचसीएफ एंड 350 एज एलसीएम। ओके, देखिए अगर इससे डिवाइड हो जाता तो ये इसका एचसीएफ होता और ये एलसीएम, इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, देखिए बैरन टीचर का सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ओके,